हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट के जो यूजी के 2020 फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेज हो गई, तो उस पर क्या क्या चेंजेज हुई और क्या क्या स्टूडेंट्स की मेजर क्यूरी है और उसे कैसे हम लोग सोल्व आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि जो नीट की यूजी 2024 की जो अप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें पहले सब आउटसाइड इंडिया सेंटर नहीं अवेलेबल था, लेकिन कुछ दिन पहले NTA ने उसे अपडेट करते हुए आउटसाइड इंडिया भी सेंटर अवेलेबल करा दी, और वो भी 15 सिटीज़ में, जैसे जिसमें एक काठमांडू, सिंगापुर, कोलामपुर, दुबई, अबू दुबई, इस तरह से 15 सिटीज़ में आउटसाइड इंडिया में अवेलेबल है। तो अब बड़ी बात ये आती थी कि ये इंडिया में तो है लेकिन अब कितनी फ़ी लगेगी। तो देखिए, इसमें जो फ़ी है, अप्लीकेशन फ़ी है, तो एज़ पर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर 2023 में अप्लीकेशन फ़ी जो लगता था, वही अप्लीकेशन फ़ी को कायम करते हुए NTA ने 9,500 रुपये IC अप्लीकेशन फ़ी चार्ज कर दी, जिसमें आपको कुछ सर्टेन अमाउंट की जो चार्जेस लगेगा आप पेमेंट करते हैं उस हिसाब से। अब आता है कि स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि हम नेपाल से पेमेंट कर नहीं सकते। नेपाली स्टूडेंट्स का क्यूरी होता है कि मैं क्या नेपाल से पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, और मुझे नेपाल से करना है तो कैसे कर सकता। देखिए, नेपाल से जो नीट की यूजी 2024 की फॉर्म फिलअप की जो पेमेंट है वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो कहने मतलब कि आपके डेबिट कार्ड, जिसे ATM कार्ड भी बोल सकते हैं, ATM या वीसा कार्ड बोल सकते हैं, यही है कि एक जरिया जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई भी अवे नहीं है। जैसे कि कितने स्टूडेंट पूछते हैं इस सेवा से नहीं कर सकते हैं, SBI यहाँ भी है वहाँ जाकर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ये उस तरह की कुछ भी लागू नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका से पेमेंट कर सकते हैं, जो है आपकी डेबिट कार्ड से करते हैं। उसमें आपकी डेबिट कार्ड में बहुत सारे बैंक, जैसे कि सिद्धार्थ बैंक, NICICI बैंक में ऑलरेडी होता है ई कॉमर्स एक्टिवेट, लेकिन बहुत सारे बैंक में ई कॉमर्स एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसमें आप अपने डेबिट कार्ड में या अपने बैंक अकाउंट में जाकर ई कॉमर्स एक्टिवेट करवा सकते हो, तब जाकर आपको पेमेंट होगा। तो भी आपकी ई अपने डेबिट कार्ड और ATM कार्ड या वीसा कार्ड से बोलो कि आप पेमेंट कर रहे हो नेपाल से एज ए नेपाली, तो आपको वहाँ पर कुछ अमाउंट सर्टेन चार्जेस कटता है, जो कि मिनिमम 100 रुपये से लेकर 200-300 रुपया तक होता है पर ट्रांजेक्शन, मीन्स पर पेमेंट की आपकी फ़ी उतना लगेगा। तो यहाँ पे ये आपको गौर करना होता है कि कहने मतलब कि हम साइबरेसी करवा लें कि क्योंकि ई कॉमर्स एक्टिवेट करवाना हो गई, उसके बाद फिर एक पेमेंट करने के लिए आपको वहाँ से करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें सारी टोटली आप पर डिपेंड करता है, नहीं तो आपकी कोई रिलेटिव इंडिया में रहता है तो उनको भी बोलकर आप पेमेंट करवा सकते हो अपना, उसमें भी कोई डाउट नहीं रहा। या आपकी फाइनल होता है कि जे अपना ई कॉमर्स एक्टिवेट करवा सकते हो ना करें, मतलब कि आपको अपना इंडिया में कोई रिलेटिव है तो कहाँ से पेमेंट करें, तो उसके लिए फाइनल और लास्ट ऑप्शन हम लोग ये भी बचते हैं कि हमारे थ्रू भी आप पेमेंट करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बैंक चार्ज करता है, बैंक अमाउंट करता है पेमेंट करते वक्त, तो वो पेमेंट की आपकी अमाउंट हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि वो तो कोई भी ले लेगा आपसे पेमेंट, कोई भी करे कोई ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट पर ही और इस पर। अब आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मुझे इंडिया में सेंटर लेना है लेकिन अब कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में कोई भी सेंटर आपकी अलॉट हो रही है फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो कहने मतलब कि आपको प्रेजेंट एड्रेस को देखकर सेंटर अलॉट हो रही है, फिर सेंटर आ रहा है आपको, तो ये ख्याल करना है कि आपको प्रेजेंट एड्रेस में अगर इंडिया में एड्रेस रखना है तो प्रेजेंट एड्रेस में इंडिया की एड्रेस रखें। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त हो सकता है कि प्रेजेंट एड्रेस दूसरी जगह की भी रख दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल सबमिट अभी नहीं किए होंगे तो आप प्रेजेंट एड्रेस करेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो फाइनल सबमिशन से पहले। मैंने देखा कि बहुत सारे चीज़ें जो वेरीफाइड नहीं है वो सारे चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने जैसे कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर ली है और फाइनल सबमिशन नहीं किए, तो आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं, तो वो प्रेजेंट एड्रेस को चेंज कर आप इंडिया में देख सकते हैं कि आपको सेंटर मिल रहा है कि नहीं, आ सकता है आपको मिल सकता है। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं नीट के, तो वो ये भी केयर कर सकते हैं कि जब भी अपना फाइनल सबमिशन करने से पहले वो अपना पूरे मीन्स कुछ चीज़ें चेंजेस करना चाह रहे हैं या उनको लग रहा है कि रंग है, तो वो सारी चीज़ें एक बार करेक्ट करें, एक बार गो थ्रू अपना फॉर्म हो, उसके बाद फिर फाइनली करने का मतलब जाकर वो अपनी फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस अपने फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आप नॉट एक्सेस हो जाएगा आपका।
आप फाइनल सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फिर काठमांडू में सेंटर कैसे हो सकता है। काठमांडू में सेंटर लेने के लिए आपको कहने की मतलब कि अपनी जो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस है सेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि दो बार भरने भी नहीं पड़ेगा, काठमांडू आउटसाइड इंडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आउटसाइड इंडिया सेंटर चूज नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं बिल्कुल, आउटसाइड इंडिया सेंटर आप चूज कर सकते हैं। जब आप कहने का मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस में इंडिया के एड्रेस रखते हैं तो आप आउटसाइड इंडिया सेंड करें, लेकिन जब भी आप इंडिया में सेंटर लेते हैं तो ओटीपी आपको हो सकता है कि आपको इंडियन मोबाइल की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से मैंने प्रेजेंट एड्रेस में हमारा देश एंड हमारा मोबाइल नंबर देने से क्या दिक्कत होगी इफ़ हमारा इंडिया में कोई रिलेटिव नहीं है। देखिए, आप प्रेजेंट एड्रेस में सिर्फ अपना सारे चीज़ देते हैं, डिटेल्स मीन्स अपना नेपाल की एड्रेस देते हैं, तो आपकी सेंटर जो है इंडिया में नहीं आ पाएगा। तो जब भी इंडिया में सेंटर लेना है तो आपकी प्रेजेंट एड्रेस इंडिया ही का होना चाहिए। और जैसे कम्युलेटिव परसेंटेज आ रहा है, कम्युलेटिव परसेंटेज में आ रहा है तो एक ऑप्शन पहले है कि जो आप टोटल मार्क्स और स्लैश CGPS, टोटल मार्क्स और स्लैश CGPS सेलेक्ट करते हैं या CGPS सेलेक्ट करते हैं तो आपको GPA में हर जगह सेलेक्ट रखने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन एक जगह आपको कम्युलेटिव परसेंटेज में आ रहा है जहां पर आप जो भी आपकी GPA है, मानिए 3.25 है, तो मल्टीप्लाई बाई 25 कर आप कहने का मतलब कि वहां पर रख सकते हैं कम्युलेटिव परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नीट का फॉर्म फुल फिलअप नहीं की हूँ तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस। नीट का फॉर्म फिलअप फिल नहीं वो हो गया। हाउ कैन आई पे फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम नम, आप वही बोला मैंने, पेमेंट के लिए आपको कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, वीसा कार्ड, किसी भी कार्ड के माध्यम से सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन उस कार्ड में ई कॉमर्स एक्टिवेट होना कंपलसरी है। ई कॉमर्स एक्टिवेट नहीं है तो आप फिर आप नहीं पे कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 12 का मार्क्स ग्रेड में है उसको कैसे लिखे, CGPA सेलेक्ट कीजिए और ग्रेड में ही पुट कीजिए, उसमें कोई करने नहीं है। 9 मार्च के बाद ऑफलाइन फॉर्म भी खुलेगा क्या? कोई ऑफलाइन नहीं होता है, टोटली ऑनलाइन ही फॉर्म होता है। नीट के लिए जो भी फॉर्म है टोटली ऑनलाइन होता है, वो चाहे इंडियन बच्चे हो या नेपाली बच्चे हो, उसके लिए कोई ऑफलाइन नहीं है। तो ये सारा मैंने बताने की कोशिश की, ये सारे आप डिटेल्स चेक करो। फाइनल सबमिट करने से पहले आप 99% इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, और फाइनल सबमिशन होने के बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए आप अपना डेबिट कार्ड या वीसा कार्ड या आपका ATM कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसमें ई कॉमर्स एक्टिवेट है तो, नहीं तो आपको फिर साइबर या इंडिया के किसी बंदे को हेल्प लेना पड़ेगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।